के मामला की इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, इसलिए हमको तो सिर्फ और अभी किसमें
ऊपर करो। सर आज मीटिंग रखने का उद्देश्य क्या है? मीटिंग रखने का उद्देश्य यह है कि देखो, अभी हम सब जानते हैं कि रमज़ान का पवित्र माह चल रहा है, और इसके चलते हुए हम सबको ये पता है कि कोरोना का भी जो प्रभाव है वो भी बढ़ रहा है। इसके लिए शासन ने कुछ गाइडलाइंस हम सबको दिए हैं, वो गाइडलाइंस सब लोगों को पता चले, डिस्कस करें, इसलिए हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसमें हमने तमाम लोगों से अपील की है कि जो भी नमाज की वक्त है वो सब नमाज हमें अपने अपने घरों में अदा करना है। नमाज के लिए कोई भी मस्जिदों में इकट्ठा ना हुए, और बाकी भी इफ्तार का भी जो समय होता है या सहरी का भी जो समय होता है वो सभी हम अपने घरों में अदा करें। अदा करते हुए हमें इसी बात का भी ध्यान रखना है कि कुछ जो आवाम है, लोग हैं, इनको कुछ फ्रूट्स खरीदना है, ड्राई फ्रूट्स खरीदने हैं, और भी कुछ ज़रूरी खाना पीना की चीज़ें खरीदना है, तो उसके लिए शाम में और सुबह में बाज़ार में जाना पड़ता है। तो जब जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वहाँ कोई भीड़ ना करें, इकट्ठा ना करें। और इसी के साथ मैं फिर से आपके माध्यम से सभी को, पूरे आवाम को एक ऐलान करना चाहता हूँ कि सभी लोग इस दौरान मास्क पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए शासन ने जो भी रमज़ान के बारे में जो भी गाइडलाइंस दिए, हम सब उसी का पालन करें। धन्यवाद। आपकी आवाज़ सर, आज 11 बजे से जो है तो अब तक सेवा भी बंद होने की ऑर्डर मिला है प्रशासन से, क्या आप अपील करेंगे लोगों? हाँ, जो भी शासन की तरफ से देखो, जब भी टाइम टू टाइम ये वो गाइडलाइंस आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि कोरोना का जो स्थिति है हमारे राज्य में या फिर हमारे शहर में, वो भी दिन ब दिन उसके हालात में भी कभी कई बार हमें ऐसा समझ में आता है कि उसमें कोई सुधार दिखाई नहीं देता है। तो इसकी वजह से कई बार ये लॉकडाउन के जो गाइडलाइंस है वो सख्त किए जाते हैं। उसी के तहत अभी जो नए गाइडलाइंस आए हैं उसका भी हम सबको पालन करने की मैं साफ सबको अपील करता हूँ। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।